फिलहाल ये एक चैलेंज वीडियो है, ठीक है, व्लॉग नहीं है। स्पेंडिंग क्या था चैलेंज का नाम, क्या है? लिविंग ऑन 100 rupees फॉर 24 hours। आज पूरे दिन भर हमें सिर्फ 100 rupees में जीना है, सिर्फ 100 rupees में। तो हमें 100 rupees में ये भी ठीक करवाना है। ये मेरा जूसर कुछ ख़राब हो गया, देखो ये देखो, तो ये चल नहीं रहा है। तो ये फिलहाल ही जूसर मैंने ऑर्डर करता है अमेजोन से, बट ये ख़राब हो गया। तो चलो चलते हैं और इसे भी ठीक करवाएंगे, 100 rupees में पूरा दिन भी रहेंगे। सो इस टाइम पे मैं घर से निकल गया था और मैं लेजिट काफ़ी खुश था इस टाइम पे, क्योंकि मुझे लगा है चैलेंज काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है और आसान होने वाला है यार। लेकिन इसके बाद ऐसा होने वाला था ये मैंने सोचा भी नहीं था। और मुझे इस टाइम पे भाई बहुत भूख लगी है, सही में मजाक नहीं कर रहा, मैं घर से कुछ भी खा के नहीं आया था और इस टाइम पे मुझे बहुत भूख लगी है। तो देखते हैं, भैया सस्ता जूस कौन सा आप पे? गन्ना है। कौन सा? गन्ना नहीं, गन्ना नहीं, कोई दूसरा बताओ। मौसमी किलो। मौसमी कितने का है? है तो 40-50 का ही है। 40-50 का। अब बेल का कितने का है? 200 rupees। अरे बेल का कर दो फिर। बैठो यार, 5 मिनट तो बैठो। अच्छा चलो भाई, अभी अपना फिलहाल बेल का जूस लग रहा है, ठीक है, 20 का है। तो इसमें से 100 में से 20 माइनस कर लो, तो अभी मुझ पर बचे 80 rupees, ठीक है, देखते हैं। हमने 100 में से 20, 100 भी बचे हम पे, 80 रुपये। देखते भाई अब 80 रुपये में कैसे गुजरता है अपना दिन। भैया भाई, भाई मैंने बहुत खा पी चुका है, अभी मैं चल बिल्कुल नहीं पाऊंगा, तो अभी मिनी मेट्रो ले लेते हैं, देख लेते हैं। भैया मार्केट तक का कितना लोगे? 20 रुपये किराया। भैया थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा भैया 100 रुपये में दिन बिताना मेरे को पूरा, थोड़ा सा कर दो भैया, थोड़ा बहुत बार्गेन आज के लिए। 15 दे देना, उससे कम में क्या भाई। 15? चलो भाई ठीक है, भैया ने मान चुके, 15 में मान चुके, तो मैं चलता हूँ मिनी मेट्रो में। भाई मुझे मजा आ गया, अकेला मैं था मिनी मेट्रो में और कोई नहीं था, ठीक है। कितने हो गए? 15 रुपये भैया। 10 रुपये कर दो, थोड़ा बहुत कर दो आज के लिए, 10 का कर दो। दे दो यार, 10 ही दे दो। चलो भाई फिलहाल भैया 10 रुपये के लिए मान गए, तो 10 दे दे भैया को, ठीक है, काफी बढ़िया भैया थे। सो फिलहाल गाइस अभी अपने बचे हैं कुल 70 रुपये, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 70 रुपये में क्या करेंगे। और लंच भी करना है अभी अपने को, अभी तो फिलहाल जूस ही पिया था बट भूख फिर भी लग रही है, तो लंच में देखते हैं क्या करेंगे। चलो लेजिट मेरे को किसी भी चीज़ से शर्म नहीं आ रही भाई, मैं एकदम मुँह फट बन चुका हूँ, गलीच जिसे बोलते हैं। तो देखते हैं भाई किसी से कुछ, अभी तो अपने पे काफ़ी टाइम है, अभी फिलहाल टाइम क्या हो रहा है देख लेते हैं। अभी हो रहे 12 बज रहे हैं, ठीक है, मतलब 11:48, तो 12 ही लगा लो। लंच कितने में करेंगे हम? 2 बजे करेंगे लंच, तो 2 घंटे के लिए तब तक किसी को पकड़ लेते हैं, कुछ पूछ लेते हैं किससे। ना ही एनर्जी की कमी थी और ना ही वक्त की कमी थी, तो सिर्फ एक चीज़ की, एंटरटेनमेंट। तो आओ यार ढूंढते हैं किसी एक ऐसे शख्स को जो कि हमारा एंटरटेनमेंट कर सके। A few minutes later, भाई कोई गाड़ी देहरादून जा रही है? देहरादून के लिए सर मिलेगी। क्या कहाँ जा रही है? यार पहाड़ के साथ पिकनिक। अच्छा तो भाई तुम वो देखते हो, क्रिकेट मैच देखते हो, IPL देखते हो? टाइम नहीं मिलता है IPL देखने का। तो कोई तो टीम सपोर्ट करते होंगे तुम? अभी यार टाइम नहीं मिलता है, सपोर्ट क्या करना है। ओहो भाई तुम्हें इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई, तुम IPL नहीं देखते। ये ब्लेंडर ठीक कराने का, ये ख़राब भी मैं नहीं करा था और ये मंगवाया भी मैं नहीं था अमेजोन से। तो चलते हैं देखते हैं कि शॉप पे सबसे सस्ते में ठीक हो जाएगा। छोड़ना पड़ेगा। अच्छा छोड़ना पड़ेगा, तो लगभग भी कितना टाइम था? नंबर लिखा शाम को बता दूंगा आपको खोलने के बाद। अच्छा मतलब हो जाएगा ना, कितने लगेंगे भैया इसमें? अच्छा तो अभी ऐसा कुछ समझ भी नहीं आएगा कि भाई कि कितने लगेंगे, मतलब अभी भैया ने पहले बोला पहले खोलना पड़ेगा इसे, फिर जाके पता चलेगा। तो कितने बजाऊँ भैया? नंबर बताओ, कॉल करके बताऊंगा आपको कैसे होगा कि नहीं। अच्छा ठीक है भाई, घर वाले वैसे तो जिम करने नहीं देते बट यहाँ पे कर लेते, चलो आ जाओ पार्क में। इसमें अपना बॉडी वेट लग रहा है, सही है।
मैं लाया इन्हें आप Wait a minute. सो फिलहाल गाइस हमने काफ़ी पूछा कहाँ पे मिलेगा सस्ता खाना, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, सामने रेडी है, ठीक है चलते हैं वहाँ पे अभी, आ जाओ भैया. क्या मिल जाएगा? दाल मखनी, राजमा. अच्छा सस्ता सस्ता बताओ कुछ. आज मेरे को पूरा 100 रुपये में पूरा दिन बिताना था, कुछ सस्ता बताओ मेरे लंच का. खा के देखो भैया, मेरा बजट यहाँ 100 रुपये का है, मैं नहीं खा सकता ना. खा के देखो भाई, पैसे वाली बात है, पैसे मत दो, क्या हो गया मैं तुमसे खा लो. अच्छा तो वही कह रहे भाई, पैसे मत दो लेकिन एक बार टेस्ट करो. चीज़ें खा के देखो. अच्छा का कितना हुआ भैया? मेरा बजट बता दो, बाकी इनका तो कोई दिक्कत नहीं. अब मेरा बता दो, थोड़ा हल्का हाथ रखना थोड़ा. 40 रुपये क्या जी? 40 रुपये. चलो भाई मेरा 40 में हो गया, बहुत बढ़िया है. ठीक है भाई, इसमें साथ में मेरे पास आलू का झोल भी है, पूरी भी है, रायता भी है और छोले भी है, तो 40 रुपीज़ में बुरा नहीं है. देखो भाई बहुत बढ़िया. 3, 2, 1 तो पूछते भैया कितने हो गए हमारे? आपके 40 हो गए. जाता हूँ, मेरे 40 हो गए भैया. थोड़ा कर दो, थोड़ा बारीक, थोड़ा सस्ता कर दो. आज आज के लिए आज मुझे 100 रुपये में बिताना है पूरा दिन. थोड़ा सा अच्छा खाओ आप, यही आपके लिए. ठीक है तो भाई भैया को दे देते 30, ठीक है. बाकी इनके बता दो, इनके अलग से काटना, मैं अपने उससे 30 कटवाऊँगा आपको. बहुत पैसा है गाइस, बहुत पैसा है. तो अभी अपने में बचे हैं 40 रुपये, ठीक है, कट कुटा के. हाँ मोटे मोटे 40 ही बच रहे अपने पे गाइस. अभी 40 रुपये में देखनी है हम लोग अपना डिनर भी, और वो रिपेयरिंग भी रह रखी है, और मुझे इनमें घर भी जाना है. तो 40 रुपये में देखते हैं यार, हो पाता भी है या नहीं हो पाता. हो पाएगा क्या लगता है? हो पाएगा या फिर नहीं? ऑलराइट, तो हमने कर चुका था लंच, और बाहर हो रही थी काफ़ी ज़्यादा गर्मी, तो हमने सोचा यार किसी ऐसी जगह चला जाए जहाँ एसी लगे हों और जहाँ यार हम बोर भी ना हो. तो हमारे दिमाग में आता है एक आइडिया और हम निकल पड़ते हैं उस जगह की ओर. तो चलो चले. तो फिलहाल ये करने जा रहा है मुझे स्टाइल, ठीक है. तो इसने ये वाला चूज करा मेरे लिए. चल ठीक है, ये वाला देखते हैं मुझको सूट करता है नहीं. ये स्टाइल कर रहा है मुझे. नीचे से देख, नीचे लगेगा क्या? तेरी मर्जी, तू स्टाइल कर रहा है ना, ये पहन लूं. चलो ठीक है, ये ठीक हो गया. पहले जूते भी देख लेता हूं अपना आउटफिट. अबे नीचे जूते छोड़ना भाई, छोड़ भाई जूते. लेट्स गो गाइस. तो गाइस ये स्टाइल किया इसने मेरे को, ठीक है. कितनी रेटिंग देना चाहोगे? दे दो भाई, मुझे तो काफी मस्त लग रहा हूं मैं, ठीक है. यहां से देखो, ठीक है. तो ये इसने स्टाइल किया मुझे, और मुझे तो काफ़ी जैनन भाई काफ़ी मस्त लग रहा है. और अब बारी मेरी है, मैं इसे स्टाइल करता हूँ, ठीक है. सो गाइस अभी टाइम है इसको स्टाइल करने का, ठीक है. आज इसने टॉप भी चाटी है, बॉटम भी चाटी है. अभी कुछ एक्सेसरीज देख लेते हैं और फिर इसको करते हैं स्टाइलिंग. अभी क्या बढ़िया लग रहा है. ओ भाई ये भाई बहुत ज्यादा नमूना टाइप का लग रहा था. अभी फिटिंग नहीं थी, फिटिंग नहीं थी सही, वरना सही आता. ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे इसने चप्पल पहन रखी है. ड्राई स्टार का बंडल लग रहा ठीक है, जैसा भी लग रहा बढ़िया लग रहा था. टी-शर्ट थोड़ी लंबी हो गई, इसके साइज की नहीं मिल रही थी. ऊपर से बैग पहना है. चलो छोड़ो भाई, अभी एटीट्यूड है अभी बाहर आने दे इसे. तू पहले से स्टाइल, तो मैंने इसे अनस्टाइल कर दिया. नहीं बस टी-शर्ट लंबी थी. अरे थोड़ा सा ही जिम जाएगा ना, फिर देखना ये तगड़ा लगेगा, ये मस्त लगेगा. अरे वो दोनों उधर चले गए, तो उनके लिए मैंने टोपी स्टाइल के लिए ले ली है ये वाली. ये टोपी बढ़िया लगेगी इस पे. बार्बी गर्ल. अफसोस भाई मैंने इसे स्टाइल नहीं कर पाया, वहाँ पे भैया आ गए थे. हम आ गए तीसरे फ्लोर पे भाग के. अच्छा दूसरा है, हम दूसरे फ्लोर पे आ गए भाग के, मतलब उससे एक ऊपर आ गए. अरे तो भी प्रैंक कर रहे हैं, अभी हमने इसकी बिलिंग करा चुकी है. तो ऐसे मत हो ना.
ये ओरियो नहीं मिलते यहाँ पे? नहीं दो भाई बिल करा के ना आपको ऐसे हाँ वो तो मुझे पता है तो गाइस अभी फिलहाल आ चुके हैं हम लोग बाहर विशाल मेगा मार्ट के और अभी हम लोग चल रहे हैं एक पार्क में तो फटाफट किसी पार्क में चलते हैं यार काफ़ी थक चुके हैं तो अभी अपने को थोड़ा रेस्ट करना है तो चलते हैं किसी पार्क में आ जाओ भाई मैं क्विट कर रहा हूँ यार भाई मैं थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा यार पेट दर्द हो गया सच में मजाक से उठ एक काम करते हैं मैं भी बैठ जाता हूँ तुम्हारे साथ भाई आसान नहीं है भाई देखने में आसान लगता है ये चैलेंज वैलेंज सारे ठीक है बट आसान है नहीं तो चलो देखते हैं अभी थोड़ा सा पार्क अभी तो पास में ही है पार्क मतलब दूर तो है यार पास में तो मैं क्या ही बोला मेरे पोटेंशियल के हिसाब से तो दूर है मैं बहुत धीरे धीरे आया मैं स्लो हट जा यार हट जा बैठना मना थोड़ी है गाड़ी में बट जिस पार्क के लिए मैं इतना दूर से आया ना पार्क देख लो पूरा भर रखा है पूरा खचाखच भर रखा है एक तो आज ईद है उस चक्कर में देख लो पूरा भरा हुआ है पार्क ठीक है 1% भी जगह नहीं है भाई तुम लोग कॉल नहीं मार के बोल सकते ये लोग तो आके पहुँच चुके थे मैं धीरे धीरे चल रहा था पर ये लोग तो पहुंच चुके थे तुम लोग को बोल नहीं सकते भाई इतना भर रखा है पार्क अब थोड़ी देर में रेस्ट कर रहा हूँ भाई ऐसे ही बैठे रहेंगे पसीना भी आ रहा था मैं पोछे भी आ रहा मेरा पूरा रुमाल गीला हो चुका पता पैंट भी गीली होगी उस चक्कर में गाइस हम लोग उस पार्क में तो पार्क में से तो आ गए थे बट यहाँ देखो मच्छरों ने खाट दिया वहाँ पार्क में चलो अभी फिलहाल वो ब्लेंडर वाले भैया ने कॉल करने को बोला था बट कॉल नहीं करा अबे दुकान बंद करके चले गए डरे भाई ये देख लो दुकान तो नहीं उठा दी कहीं दुकान ही बंद हो गई कहीं ब्लेंडर के चक्कर 2000 रुपए के ब्लेंडर के चक्कर में भैया ने दुकान ही छोड़ के चले गए अबे साले जूस ब्लेंडर वाले बोलो सुबह आएंगे अरे यार बोला यार जुबान के बड़े हल्के हो यार भैया यार आपने बोला यार करके रखा है तुम्हारा वो तुम लेट में आए होंगे ना उसने तो उस समय कर दिया था अरे उन तो कॉल ही नहीं मारा छोटा सा हां हां काला कलर का अरे यार इंतजार बोलो कॉल मारना था यार भैया ने कॉल ही नहीं मारा बोल रहे थे कॉल करेंगे अच्छा अच्छा चलो अच्छा उस वो पूछ लो एक बार रेट क्या मतलब प्राइस अच्छा कितना खर्चा लगा था उस पे चलो 150 अच्छा चलो ठीक है भैया ओके सो गाइस फिलहाल अभी वो तो जूस ब्लेंडर तो हो गया था ठीक बाकी भैया ने कॉल करना भूल गए तो अभी 150 रुपये लगे उसमें और भाई अपने इतना तो अपना बजट ही नहीं था हम तो 100 रुपये लेके चल रहे थे सुबह से ठीक है उसमें मेरे को रहना भी था मतलब अपना लंच डिनर वो सब लगा के और 100 रुपये में ठीक भी ये तो 150 रुपये का ठीक होगा ठीक है तो बाकी कल सुबह आके देख लेते हैं मैं चैलेंज हारा वारा कुछ नहीं हूँ देखो सीन ऐसा है कि ये था ही नहीं उतने का बस अगर होता हल्का फुल्का तो अपन निकाल ले 10 रुपये माइनस का इस सो वैसे ही मैं सच में ना ऑलमोस्ट डेड हो चुका हूँ क्योंकि यार बहुत थकान लग चुकी है यार सही में मैं इतना चल चुका हूँ मेरे से चला नहीं जा रहा मैं ऑटो ही लूँगा यार यहाँ से सीधा थोड़ा दूरी पे ऑटो मिलते हैं तो ऑटो स्टैंड पे मिलते हैं आपसे यार ऑलमोस्ट डेड गाइस थोड़ा सा और रुका ना थोड़ा सा और चला मैं खत्म हूँ भाई खत्म सीन है
फिलहाल गाइस आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी 20 अपने यहाँ कट हो गए और वो लोग आ रहे दूसरे रास्ते, तो अभी 20 अपने यहाँ कट हो गए, बचे अपने पे 10 रुपए की भाई मैगी ले लेंगे। रात का भी जुगाड़ हो गया गाइस, 10 की है मैगी ले लेंगे हम और बस 10 की मैगी खाएंगे, बस हो गया 100 रुपए में चैलेंज कम्प्लीट। बस अंकल जी मैगी का पैकेट दे दो 10 का। चलो गाइस और चैलेंज अपना कंप्लीट हो गया था, बस बाकी वो ब्लेंडर ठीक नहीं हो, ब्लेंडर का भाई कुछ ज़्यादा ही हाई कॉस्ट था क्योंकि उसने बोला उसकी मोटर ख़राब हो रही थी थोड़ी, तो वो दोबारा से रीएडजस्ट करी है, पता नहीं ठीक करी, तो उसमें 150 रुपये कुछ लग गए, वो हम सुबह लेके आएंगे और इतना तो मेरा बजट भी नहीं था, तो इसको तो रहने देते, ठीक है। बाकी अपना चैलेंज था 100 में अपने कंप्लीट करा पूरा, और बस अगर आपको ऐसी चैलेंज देखने तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, गुड नाइट।